कि तो कार्बन रिडक्शन मेथड इज यूज फॉर लो ग्रेड और सेल्फ प्रोडक्शन मेथड इज यूज फॉर हाई ग्रेड है ना इसके लिए होता है तो क्योंकि पीबीएस है इससे सल्फाइड सल्फाइड और और होगा तो हाई क्या होगा प्रोडक्शन मेथड से कर सकते हो तो पहला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कार्बन रिडक्शन मेथड तो कार्बन रिडक्शन मेथड से कैसे होगा तो आप क्या करिएगा कि जो ओर होगा जो आपको मेन ओर मिलेगा इसमें किसमें लेड का उसमें जो इम्प्योरिटी होगी मेनली जो इम्प्योरिटी होती है वो इम्प्योरिटी होती है जेडनस की जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटी होती है इसके अंदर है ना ठीक है जिंक सल्फाइड की इम्प्योरिटी होगी और वो इम्प्योरिटी जो जिंक सल्फाइड की है सो ये मेन है बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है कि और जो है ना वो क्या होगा और के साथ इम्प्योरिटी कौन है जेडनस की इम्प्योरिटी है ना जिंक सल्फाइड का इंप्योरिटी है तो इसको क्या करोगे इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस और एनएसन का यूज करिएगा एन एसियन क्या कैसे यूज होगा एज ए डिप्रेशन वहां पर मैंने पढ़ाया था आपको डिप्रेशन के बारे में फ्रॉथ फ्रोटेशन प्रोसेस में पढ़ाया था और मैंने यही एग्जाम्पल भी लिया हुआ है वहाँ पे कि कैसे मतलब एनएसियन क्या करता है जिंग सल्फाइड को जे, और ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स बना के जेड एन सी एन होल फोर कॉम्प्लेक्स बना के क्या करता है सोलबल करा लेता है और इसको डिप्रेस कर देता है फ्रॉथ में केवल किसके पार्टकिल जा पाते हैं केवल पी के पार्टकिल जा पाते हैं एक बार अगर याद नहीं हो तो रिवाइज कर लीजिएगा अब आपको मिल जाएगा कंसनट्रेटेड ओर कंसनट्रेटेड ओर का करिएगा रोस्टिंग यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी हुई है यहाँ पे है रोस्टिंग आर ओ एस टी आई एन जी रोस्टिंग होगा ठीक है रोस्टिंग करने के बाद क्या होगा रोस्टिंग से आपको पता है ना कि ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा अब मिलेगा आपको कुछ ऑक्साइड मिल सकता है कुछ आपको सल्फेट मिल सकता है कुछ सल्फाइड मिल सकता है और इनके सेल्फ प्रोडक्शन से क्या होगा आपको लेड मिल जाएगा और जो इम्प्योटी uh, है बेसिकली जो इम्प्यूटीज हैं उसमें से बेसिकली सी एस आईओ थ्री जो है ना बन जाए बन जाएगा कि कैल्सियम ऑक्साइड और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं इस तरीके से बन जाएगा इस बन जाएगा तो क्या होता है है थोड़ा सा डिटेल डिटेल में में पढ़ लेते हैं है ना और डिटेल में कर लेते हैं इसको और कैसे होगा है ना उस तरीके से तो तो रोस्टिंग में क्या होता है रोस्टिंग में अः क्या होगा जो रिएक्शंस हैं रोस्टिंग के दौरान वो रिएक्शंस होंगी वो कौन सी होंगी आ, वो होंगी पीबीएस प्लस थ्री बाई टू ओ टू करके पीबीओ और इसमें कन्वर्ट होगा अब आपको पता है है कि बना हुआ जो ऑक्साइड होगा ठीक वो वो क्या करेगा बचे हुए सल्फाइड से पीबी देगा है ना लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है ऑक्साइड के साथ साथ क्या किया गया है? सल्फेट भी बनाया गया सल्फेट कब बनता है ना बताया था ना आपको सल्फेट लो टेम्परेचर कंडीशन पे क्या होता है सेल प्रोडक्शन किस तरीके से बनता है सल्फेट बना के बनता है, है ना तो सेल्फ प्रोडक्शन तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पीबीएस और पीबीओ बनाएगा और पीबीओ बाद में क्या करेगा पीबीएस से कंबाइन करके लेड बना देगा ये आपको मैंने बता रखा है सेल्फ प्रोडक्शन तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है या फिर सल्फेट के थ्रू भी सेल्फ प्रोडक्शन पर किया गया है कि पीबीएस जो होगा पीबीएसओ फोर बना लेगा और ब, बना हुआ पीबीएसओ फोर और बचा हुआ पीबीएस दोनों आपस में कंबाइन करके सेल्फ प्रोडक्शन करेंगे और क्या बना देंगे लेड बना देंगे इस तरीके से ना ये आपको बता दिया गया है है ना और अगर स्मेल्टिंग की बात करें कार्बन रिडक्शन की बात करें तो क्या करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सीओ तो क्या कर सकता है जो पीबीएस में पीबीएस ऑक्सीडाइज होकर जा सकता है पीबीओ में पीबीओ का कार्बन एडक्शन होके मिल सकता है पीबी ऐसे हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि जो पीबीओ बनेगा उसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस करके पीबी में भेज सकती है और सीओ में चला जाए या पीबीएस और पीबीओ कुछ आपस में कंबाइन करके पीबी बना दे या सेल्फ प्रोडक्शन है ये इतना पार्ट जो है ना ये जो दोनों लिखा हुआ ये पार्ट किसका हो जाएगा ये हो जाएगा सेल्फ कुछ कुछ पार्ट में हो सकता है दौरान कुछ संभावनाएं हैं कुछ परसेंटेज में इस तरीके के रिएक्शन होने के चांस भी है ऐसे बन जाएगा ठीक है तो ये तरीका जो है ना ये तरीका जो है ना वो आपका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे रोस्टिंग का तो रोस्टिंग में क्या हुआ कि रोस्टिंग में ये पता चला गया यार उसको ऊपर में ओपन करके रखना पड़ेगा वो 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 जो है ना ऊपर में ओपन करके रखना पड़ेगा कमेंट वाला तो जो रिएक्शन है रोस्टिंग के मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी एक बार अपन और कर देख लेते हैं कि भाई रोस्टिंग के दौरान मेनली जो सल्फाइड और होगा दो चीजों में कन्वर्ट होता है एक तो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और दूसरा किस में कन्वर्ट होता है बोलो वो, वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है और स्मेल्टिंग के दौरान क्या होगा स्मेल्टिंग के दौरान जो होता है रिडक्शन प्लस मेल्टिंग में क्या होता है कि uh, कोक की प्रेजेंस में और कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होगा रिडक्शन होगा पी फोर का कार्बन रिडक्शन करके पी और सी बनाया जा सकता है पी का ऑक्सीडेशन uh, करा के पीबीओ और एसओ टू बना सकते हो आप ऐसे या कार्बन रिडक्शन करा सकते हो इससे ये बन जाएगा पीबीओ जो होगा सी से रिड्यूस करके पी बना लेगा पी और पी मिलके ओ बना लेंगे है ना पीबीएसओ फोर और पीबीएस मिलके के बना लेंगे ये मैंने आपको बताया कि क्या है ये एक तरह से सेल्फ प्रोडक्शन मेथड है है ना ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो किसकी रिएक्शन है ये इम्प्यूरिटी के साथ स्लैग फॉर्मेशन की रिएक्शन है ये हम लोग समझते हैं ये सारी चीजें तो आपको मालूम है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्शन का लिखा हुआ है कि जो पीबीएस होगा वो पीबीओ बनाएगा ऑक्साइड बना लेगा अब जो अब जो ये बना हुआ ऑक्साइड है ये जो फॉर्मड ऑक्साइड है ठीक है फॉर्म्ड ऑक्साइड और बचा हुआ सल्फाइड मिलके क्या बना लेगा लेड बना लेगा ठीक है अब उसके बाद क्या करता है कि जो पीबीएस uh, है पीबीएस ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा बोलो ये सल्फेट बनाता है सल्फेट कब बनता है सल्फेट लो टेम्परेचर कंडीशन पे बनता है तो लो टेम्परेचर कंडीशन पे सल्फेट जो बनेगा और इस तरीके से जो सेकेंड टाइप का रिडक्शन है मैंने आपको रोस्टिंग में समझाया था कि ये 750 डिग्री 750 डिग्री सेल्सियस से कम अगर टेम्परेचर होगा तो सेल्फ प्रोडक्शन मेनली क्या होता है मेनली जो सेल प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है वो आ, वो कैसे होता है वो सल्फेट बन के होता है तो सल्फेट बना हुआ सल्फेट और बचा हुआ सल्फाइड मिलके आपको मेटल बनाएंगे ये आपको पता है तो मैं कहीं ना कहीं इन चीजों को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए है ना यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है यहाँ पे जरूरी है पूछा भी जा सकता है नोट में लिखा है कैल्सियम ऑक्साइड इज एडेड टू दिस मिक्सचर ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ पीबीएसआई थ्री सिलेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जो एस आई ओ टू होगा एस आई ओ टूक् जो पीबीओ है लेड ऑक्साइड है ठीक है ना ये मेटल ऑक्साइड है बेसिकली एम्फोटेरिक होगा वैसे तो लेकिन फिर भी आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं पीबीएसआई थ्री बनाना शुरू कर देंगे तो पीबीएसआई थ्री अगर बनेगा अगर ये इस तरीके का बनेगा तो लेड जो लेड आप, आपको क्या चाहिए था पीबीओ से पीबी चाहिए था आप ये चाहते थे लेकिन वो लेड जो पीबी था वो थोड़ा बहुत इसमें चला जाएगा सिलेक्ट के फॉर्म में क्या होगा बर्बाद होना चालू हो जाएगा वो आप नहीं चाहोगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या करता है कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ा सा ज्यादा बेसिक है किससे पीबीओ से तो वो क्या करेगा वो जाके फिर ए, क्या करता है एस आई ओ से कंबाइन करके सी एस आई थ्री का सिलेक्ट बनाता है ना लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए कि जब पीबीएस ने रोस्टिंग के समय और स्मेल्टिंग स्टेप में जब पीबीओ बनाया था उस पीबीओ से अगर एस आई ओ टू जो की इम्प्यूरटी है कंबाइन करके पीबीएसआई थ्री बना रहा है ना पीबीएसआई थ्री बना रहा है सिलेक्ट बना रहा है तो आप चिंता मत करो ये जो पीबीएसआई थ्री जो बना हुआ है ये जो पीबीएसआई थ्री यहाँ बना हुआ है वो पीबीएसआई थ्री देख रहे हो आप कैल्सियम ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना लेगा सी एस आई ओ थ्री बना लेगा इस तरीके से है ना ये बना लेगा तो ऐसे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है ठीक है क्लियर हो गया जिस तरीके से आप ये कर सकते हो ना सी एस आई ओ थ्री पीबीओ बन जाएगा है ना तो अगर मान लो मान लो ये बन भी गया पीबीएसआई थ्री si बन भी गया किसी तरीके से कोई चांस बन भी गया तो कैल्सियम ऑक्साइड क्या करेगा उससे क्या करेगा रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या करेगा सी एस आई ओ थ्री बना लेगा और पीबी को फ्री कर देगा है ना लेड के फॉर्म में जिस फॉर्म में आपको चाहिए था है ना इस तरीके से कर लेगा सी एस आई ओ थ्री बना लेगा और पीबी लिक्विड आएगा यहाँ पे ऐसे कर लेना है ना ये हो जाएगा करेक्शन कर लीजिएगा पीबी नहीं बनेगा है ना तो ये तरीका है इसका है ना अब बारी है कि जो लेड मिल गया है वो लेड क्या होगा लेड का हमें रिफाइनिंग प्रोसेस चाहिए होगा कि रिफाइनिंग प्रोसेस लेड का क्या होगा तो जो लेड का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं पार्क प्रोसेस रिमूवल ऑफ सिल्वर फ्रॉम द लेड ये मैं आपको आखिरी में पढ़ाऊंगा मैं याद दिला दूंगा आपको पार्क प्रोसेस के बारे में और उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो होती है बेट्स प्रोसेस कहलाता है इसमें एनोड इम्प्योर लेड का होता है कैथोड प्योर लेड का होता है और इलेक्ट्रोलाइज होता है पीबीएसआई और एच टू एस आईओ फाइव से हम एसडीफाई करते हैं है ना एफ से एस करते हैं तो ये इसके मेनली मेन इम्पोर्टेंट पार्ट हैं तो जो लेड के जो ओर है जिसको हम लोग पीबीएस ब्लैक कलर का होता है आपको पता ही होगा है ना और तो उससे लेड निकालने का तरीका दो तरीके हैं बेसिकली एक तो कार्बन डाइडक्शन और सेल्फ प्रोडक्शन दोनों मेथड है मेन मेन इम्प्योरिटी होती है जिंक की और वो हटा ली जाती है कहाँ पे हटाई जाती है डिप्रेस की जाती है कहाँ पे फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस में जाके जो है ना उसको डिप्रेस करके निकाल लेते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें आ, सीधा सीधा है आप इसे करो कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं है ना अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें एक्सट्रक्शन ऑफ जिंक ये uh, काफी समय से पूछा नहीं गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉजिकल है काफी चीजें इन्वॉल्व हैं इसमें तो इस इसपे हम लोग काम करते हैं बड़ा अच्छा है आपको uh, मतलब इंटरेस्टिंग भी है मतलब थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगेगा लेड में ज्यादा कुछ था नहीं बट जिंक में थोड़ा सा काम है काम करने लायक चीजें हैं तो एक्सट्रक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द दिंक जेडनेस जिंक ब्लेड से हम लोग निकालते हैं मेन और यही है तो जिंक ब्लेड जो होता है वो हमारा जेडनेस होता है कैलामाइन जो होता है वो जिंक कार्बोनेट होता है जिंकाइट जो होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है आप कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ओर फ्रॉम द एक्सट्रक्शन ऑफ जिंक इज जेडनस है ना ठीक है एक्सट्रक्शन ऑफ जिंक इज फ्रॉम जेडनेस है ना जेडनेस से किया जाता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक जैक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योर पीबीएस है ना इसमें पीबीएस की इम्प्योरिटी होती है ठीक तो है इसको ठीक है तो इस तरीके से रहता है और ब्लैक जैक जो है ना वो हम लोग चाहे तो देख भी सकते हैं ब्लैक जैक का कलर जो है ना ब्लैक जैक का मैं आपको दिखा सकता हूँ एक मिनट रुकना मैं, मैं स्क्रीन चेंज करके आपको ब्लैक जैक का कलर दिखा देता हूँ सो so, ये आपको दिख रहा होगा ब्लैक जैक के बारे में है ना ये है ना सल्फेर सल सफलराइट है ना

So2 जो है है ना जाए, collect ना बाहर निकल कर कर लेना बनाने के लिए लीजिएगा को जिंक सल्फेट बना ले और जिंक सल्फेट हो सकता है आठ सौ पचास डिग्री सेल्सियस पे के ज्यादा टेम्परेचर पर अपने आप को डिकम्पोज कर लेके इसमें जिंक ऑक्साइड और एसओ टू में जिंक ऑक्साइड फर्दर जो है ना वो रिड्यूस नहीं होता है जिंक ऑक्स जिंक सल्फाइड Uh, जो बचा हुआ है जिंक सल्फाइड जो लेफ्ट है बचा हुआ है और जिंक ऑक्साइड जो बना हुआ है फॉर्मड है उसके वो दो दोनों मिलकर जिंक नहीं बनाएंगे है ना जिंक नहीं बनाएंगे ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है ये रिएक्शन होती है सेल्फ ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बोलो हाँ ये रिएक्शन होती है सेल्फ प्रोडक्शन की रिएक्शन होती है ना ये रिएक्शन जो होती है वो सेल्फ प्रोडक्शन की रिएक्शन होती है तो सेल्फ प्रोडक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं है क्यों पॉसिबल नहीं है बताओगे मुझे

एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस है ना तो जिंक जो है ना सेल्फ प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होगा तो जिंक जिंक सल्फाइड का पीबीएस का हो सकता है एच जी का हो सकता है सीएस कॉपर का हो सकता है एंटीमनी वाले का भी होता है ना? लेकिन जिंक का नहीं होता है तो जिंक को फिर कैसे निकाला जाता है तो जिंक का निकालने का तरीका जो है ना वो है स्मेल्टिंग से किया जाता है कार्बनशन परफॉर्म किया जाता है कार्बन के साथ अभी तक में कार्बन रोडक्शन लिखा करता था लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेसली क्या लिखा है पढ़ो एक मिनटर में यहाँ पे आया है અના સ્પેશિયલ ટર્મ મેને યહા પે આયા હે ઓર વો ક્યા લિખા હે વો એક્સેસ લિખા હુઆ હે હે ના વો એક્સેસ લિખા હુઆ હે હે ના તો એક્સેસ ક્યું લિખા ગયા ઉસકો મતલબ ઉસકા મતલબ સમ મે આ રહા હે આપકો એક્સેસ ક્યું લિખા ગયા અભી મે સમજાતા હું હોગા ક્યા કી જબ આપકા રોસ્ટિંગ કે સમય યા તો ઝિંક સલ્ફેટ બનેગા તો ઝિંક સલ્ફેટ કા કાર્બન ક્યા કર રિડક્શન કરકે ઝિંક સલ્ફાઇડ બના દેગા કોઈ દિક્કત નહીં હે ઝિંક સલ્ફાઇડ કો ઓક્સિડાઇઝ કરકે કા ભેજા જાયેગા ઝિંક ઓક્સાઇડ મે और जिंक ऑक्साइड को कार्बन क्या करेगा रिड्यूस करेगा किसमें जिंक में गैसेस फॉर्म में गैसे मिलता है क्योंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाके क्या होती है मेटलर्जी होती है और या फिर जिंक ऑक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिड्यूस कर सकता है क्योंकि जब आप कार्बन से रिडक्शन करवा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रोक लोगे इसलिए बार जब भी कार्बन का जहां पर भी कार्बन रिडक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वहां ऑलरेडी कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन अपने आप हो रहा है समझ ध्यान रखिएगा इसलिए जब भी मैंने चाहे वो अभी इससे पीछे मैंने लेड ऑक्साइड लेड की मेटलर्जी पढ़ाई है वहां पर भी मैंने क्या किया है वहां पर भी मैंने पीबीओ के साथ जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन लिखा हुआ है ये वाला देखो जहां मैंने कार्बन से रिडक्शन कराया तो वहां पर मैंने कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी कराया उसके जस्ट ऊपर वाले रिएक्शन में कार्बन का रिडक्शन हुआ है ठीक है इस तरीके से तो ये है बेसिकली है ना तो ये रहेगा है ना तो यहाँ पर आ, कार्बन जो होगा जिंक ऑक्साइड जो होगा वो क्या करेगा वो इस तरीके से रहेगा ना एक की रिएक्शन होगी रिडक्शन वाली और एक उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिडक्शन हो सकता है दोनों काम होंगे जब कार्बन प्रेजेंट है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा और वो भी रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं और इसमें मैंने एक डायग्राम दिया है यहाँ पे अलिंगम डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है है ना, लिंगम डायग्राम समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली जो जो कार्बन वाली लाइन है समझ लो कार्बन ये जो है बेसिकली आई थिंक ये 900 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है है ना ये वाला ये जो 900 हंड्रेड डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाकर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जाकर कहीं पर जो है ना ये कार्बन वाली जो लाइन है ना इस वाले पॉइंट फिर नीचे आना चालू होती है कार्बन वाली लाइन जो है ना वो इस टेम्परेचर पे इसके बाद किसी टाइम मतलब नौ पे तो इसका ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया ठीक है और उसके बाद क्या होगा उसके बाद जो ये नीचे आ गई है उसके बाद ये जो नीचे आ रही है कार्बन की लाइन जो नीचे आ रही है वो ज्यादा टेम्परेचर पे नीचे आ रही है तो इसलिए क्या होगा कि जो मेटलर्जी इसकी परफॉर्म हो रही है इसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर परफॉर्म हो रही है उसका और हाई टेम्परेचर जो स्मेल्टर होता है ना जहां पर जहां पर कार्बन डाइऑक्सिड कराते हैं जहां पर स्मेल्टिंग कराई जाती है उसका टेम्परेचर भी हमें थोड़ा ज्यादा रखना होता है तो ये दो वो पॉइंट है एक ये देखो एक पॉइंट तो ये तुम्हारा ए है एक पॉइंट तुम्हारा बी है और एक पॉइंट तुम्हारा सी है तो ए पॉइंट बता रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन है क्योंकि ऑक्साइड की लाइन में अचानक क्या आया है शिफ्ट आया है स्लोक में शिफ्ट आया है तो यहाँ इस जिंक ऑक्साइड की जो लाइन है उसमें अचानक शिफ्ट आया है यहाँ पे ओ काट लीजिएगा ओ नहीं है यहाँ पे ओ नहीं होगा जिंक प्लस हाफ ओ टू मिलकर क्या बनाएगा जेडनो बनाएगा ना मिस्टेक है वहां पे तो ए बी और सी पॉइंट क्या बता रहा है ए पॉइंट बता रहा है कि जिंक ऑक्साइड लाइन में किंक आया है मतलब यहाँ पे कोई ना कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन है बी पॉइंट क्या बता रहा है बी पॉइंट बता रहा है कि इस पॉइंट से नीचे जब जाएगा तो कार्बन बिकम अ रिड्यूसिंग एजेंट या सुनो और सी पॉइंट क्या बता रहा है सी पॉइंट बता रहा है कि इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है या सुनो बन सकता है हुँ? क्योंकि आपको पता है कि वो ऑक्साइड वो ऑक्साइड लाइन जो कि अपने से ऊपर वाली ऑक्साइड लाइन को क्या कर सकती है रिड्यूस कर सकती है जो नीचे रखी है जो नीचे होती है वो अपने आप से ऊपर वाले को रिड्यूस कर पाती है ऐसा अलिंगम डायग्राम में बताया जाता है ना ठीक है यहाँ पे मैंने कुछ और भी आपको क्लियरिटी आएगी इस डायग्राम के बारे में पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं जो जो मैंने राइट अप लिखा हुआ है बड़ा अच्छा है यहाँ पे आपको थोड़ी चीजें क्लियरिटी आएंगी ये जो लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो बार कम से कम रिवाइज करिएगा है ना

जो एनसीआर क्वेश्चन है जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ क्या कह रहा है वाई जिंक इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड है ना बाय कार्बन ऑक्साइड फ्रॉम एनसीआर है ना ये लिखा हुआ है अब इसमें कहते हैं कि द गैसियस द गैसियस मिक्सचर ऑफ जिंक एंड सीओ टू सिंपली रिमूव फ्रॉम द फर्नेस एंड कूल्ड देन सम री ऑफ जिंक वुड अकर दस द जिंक पाउडर ऑप्टेन्ड वुड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ जिंक ऑक्साइड ठीक है ये बात समझ में आया कि द गैसियस मिक्सर ऑफ जिंक और अगर आप इससे कराते हो ना मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड से रिडक्शन कराते हो समझना ध्यान से अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन कराओगे तो आप ये रिएक्शन परफॉर्म करोगे जो लिखी हुई है इस समय सामने ये सुनो और ये रिएक्शन कैसी है बोलो रिवर्सिबल रिएक्शन है है ना ये रिएक्शन कैसी होती है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसमें कहते हैं कि द गैसियस मिक्सचर ऑफ जिंक एंड सीओ टू सिंपली रिमूव फ्रॉम द फर्नेस एंड कूल्ड देन सम ऑफ ऑफ जिंक अकर जिंक का दोबारा रिओक्सीन हो जाता है एक्चुअली ये रिएक्शन क्या होती है ये रिएक्शन बैकवर्ड चली जाती है तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी कि तुम्हें जिंक और सीओ टू मिलेगा लेकिन ये रिएक्शन पीछे जाकर क्या बनाने लगती है जिंक ऑक्साइड भी बनाने लगती है और आपको चाहिए था क्या जिंक है ना अब इस बात को कैसे ओवरकम किया जाता है उसके लिए जो है ना मेथड बताए गए क्या कहते हैं कि मॉडर्न स्मेल्टर मिनिमाइज द रिऑक्सीडेशन इन टू वेज किसका रिओक्सीडेशन जिंक का जिंक का जिंक ऑक्साइड में कन्वर्जन ना हो उसके लिए मॉडर्न स्मेल्टर क्या करते हैं दो तरीके अपनाते हैं हैविंग एक्सेस कार्बन सो द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इज कन्वर्टेड टू CO. इसका क्या फायदा है बेसिकली जब एक्सेस कार्बन लोगे तो एक रिएक्शन होती है कार्बन प्लस सीओ टू गिव यू सीओ कार्बन मोनोक्साइड टू सीओ ये एक रिएक्शन परफॉर्म होती है ध्यान देना C प्लस सीओ टू मिलकर टू सीओ बनाते हैं सीओ टू किसका सीओ टू किसका पार्ट है इस रिएक्शन में सीओ टू किसका पार्ट है रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का रिएक्टेंट रिएक्टेंट का पार्ट है सीओ टू किसका पार्ट है सीओ टू तो प्रोडक्ट का पार्ट है है ना तो सीओ टू को आप निकालोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी अगर मैं इरेक्शन परफॉर्म समझो मेरी बात अगर मैं सी सी कार्बन वाली जो है ना और सीओ टू को मिलाकर क्या बनाता हूँ बोलो टू सीओ गैस बनाता हूँ समझना ध्यान से ये टू सीओ गैस बनाता हूँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसका पार्ट है बोलो वो तो प्रोडक्ट का पार्ट है ना यह yes सुनो no? yes, तो प्रोडक्ट साइड से अगर सीओ निकाल लोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी फॉरवर्ड या बैकवर्ड प्रोडक्ट निक, प्रोडक्ट निकालोगे तो फॉरवर्ड अरे यार प्रोडक्ट निकालोगे तो फॉरवर्ड ही आएगी ना रिवर्स रिएक्शन से प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या होगा फॉरवर्ड ही आएगी ना हाँ सर और बनेगा ठीक है और प्रोडक्ट निकाल के क्या बना रहे हो तुम हाँ प्रोडक्ट निकाल के बना रहे हो रिएक्टेंट देखो ध्यान से इस रिएक्शन में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन कहा जाएगी फॉरवर्ड और अगर कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम करोगे तो कहाँ जाएगी फॉरवर्ड तो भी फॉरवर्ड जाएगी हाँ. तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बार बार बनाते क्या हो सीओ 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 बना रहे हो ना और उसके लिए क्या चाहिए होगा तुमको कार्बन कार्बन तो उसी लिए मैंने शुरुआत में हेडिंग में एक्सेस कार्बन लिख दिया था शुरुआत में मैंने हेडिंग में एक्सेस कार्बन लिख दिया था है ना कि आपको कार्बन यहां पे एक्सेस में लेना होगा और कार्बन में जब आप कार्बन को एक्सेस में ले ले लोगे तो आप क्या होगा आप ये जो जो लिखा है ना ये रिएक्शन जो रिवर्सफिल रिएक्शन लिखा हुआ है ना इसको आप रिवर्सफिल होने से रोक लोगे या नहीं रोक लोगे या बोलो yes, क्योंकि जो CO2 बनेगा उसको कार्बन से रिएक्ट कराना यहाँ पे मैं C सॉलिड सॉरी कार्बन लिख दे रहा हूँ ये CO2 को उठाना C से रिएक्ट करना CO बनाना सीओ टू निकाल रहे हो तो फॉरवर्ड आ रहा है सीओ बना रहे हो तो भी फॉरवर्ड आ रहा सीओ टू निकाल रहे हो तो भी फॉरवर्ड सीओ आ रहा है तो भी भी फॉरवर्ड फॉरवर्ड इस तरीके से लगातार रिएक्शन भेजोगे forward ही भेजोगे ही कभी भी जिंक जो है ना इस तरीके से क्या होगा इस तरीके से कभी भी ये जिंक जो है ना जिंक ऑक्साइड तक पहुंच ही नहीं पाएगा इसका रिओक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा मतलब जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड में नहीं कन्वर्ट होगा है बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन आएगी ही नहीं हमेशा फॉरवर्ड में ही जाएगा ये आ रहा है बात समझ में आप लोगों को हाँ तो क्या आप ये बता आप अब आप आपको क्लियर हो गया ना कि आखिर जिंक की मेटलर्जी में कार्बन एक्सेस में क्यों लिया जाता है यह सुनो बता दोगे समझा दोगे हाँ हम्म ठीक है इस तरीके से होगा इसीलिए कार्बन रिडक्शन माना जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन नहीं माना जाता है, है ना ठीक है बी पार्ट देखिए क्या लिखा है बाई सॉक कूलिंग सॉक मतलब एकदम अचानक ठंडा कर दो चिल्ड कर दो द गैस इज द सो दे डू नॉट हैव टाइम टू अटेन है ना जैसे बने उनको तुरंत ठंडा कर दो तो फिर क्या होगा इक्वेबरियम अटेंड करने का टाइम नहीं मिलेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट नहीं होगी द रेपिड कूलिंग इज अचीव बाई स्प्रेइंग द हॉट गैसेज द ड्रॉपलेट ऑफ मोल्टिन लेड है ना इस तरीके से होगा नाइन नाइन परसेंट प्योर जिंक एनी कैडमियम प्रेजेंट कैन बी सेपरेटेड बाई द डिस्टलेन ये रहता है लेकिन यहाँ पे एक समस्या और भी है वो समस्या लिखी है कि नहीं लिखी गई दिखते हैं तो समस्या के बारे में नहीं लिखा गया चलो अभी मैं बताता हूँ है ना यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी आता है कि जिंक की जो मेटलर्जी की जाती है वो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे क्यों की जाती है जिंक की जो मेटलर्जी की जाती है वो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे क्यों की जाती है तो जिंक की मेटलर्जी में जो स्मेल्टर होता है ना लिखा था मॉडर्न स्मेल्टर है ना इस मॉडर्न स्मेल्टर में ये कहा जाता है क्वेश्चन कहा जाता है कि वी विल टेक मतलब क्वेश्चन जो होता है कि आ, आ, वाई वाई हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर इज केप्ट इनसाइड स्मेल्टर है ना इन साइड स्मेल्टर स्मेल्टर में हाई टेम्परेचर क्यों रखा जाता है है ना तो उसका ये क्या रीजन है कि आपको जब आप एक्सेस कार्बन वाला तो समझा रहे होते हो कि एक्सेस कार्बन क्यों रखेंगे और ये रिएक्शन करा रहे होते हो तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है भाई और काफी काफी ठीक ठाक एंडोथर्मिक है तो आपको जो ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड आप बना रहे हैं इसका फायदा क्या है कार्बन को सीओ से कंबाइन कराकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं तो उसका फायदा क्या है उसका फायदा ये है कि जो आपकी टारगेट रिएक्शन है वो रिवर्सल नहीं होगी और जिंक का दोबारा ऑक्सीडेशन जिंक ऑक्साइड में नहीं होगा लेकिन इसकी समस्या ये है कि जो अंदर टेम्परेचर होगा वो ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये अंदर जो स्मेल्टर होगा ठीक है जहां हीट का एनवायरमेंट है है ना जहां पे आप कार्बन परफॉर्म करवा रहे हो वहां पे क्या करेगा वहां पे हीट एब्जॉर्व कर लेगा तो हीट एब्जॉर्व कर लेगा तो टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा है ना टेम्परेचर ड्रॉप करने की वजह से भी ये रिएक्शन क्या हो जाएगी पीछे आ सकती है तो आपको हाई टेम्परेचर कंडीशन रखनी पड़ती है तो दो बातें आपसे पूछी जाती है यहाँ पे जिंक की मेटलर्जी में एक एक्सपर्ट एडवाइज की तरह पूछा जाता है कि जिंक की मेटलर्जी में हाई टेम्परेचर क्यों रखा जाता है और जिंक की मेटलर्जी में कार्बन का एक्सेस क्यों लिया जाता है और जिंक की मेटलर्जी में कार्बन मोनोऑक्साइड से रिडक्शन क्यों नहीं करा सकते है ना क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड से वैसे भी हाई टेम्परेचर रखोगे तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ठीक है वो होता है कार्बन है ना कार्बन इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो भी कंडीशन आ गई है ना और एक तरीका वो भी समझा दिया किस तरीके तो बहुत बहुत कुछ थोड़ी बहुत कोई पार्शियल रिएक्शन होती होगी इस तरीके से तो होगा वरना नहीं होगा है ना ठीक है तो इस तरीके से ये, ये आपको समझ में आ गया होगा है ना कंप्लीट कर लिया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो परफॉर्म करना होता है ऐसे कुछ ये रिएक्शन चल रही होती है

एंड इट इज इज नॉट यूज इन UK. ये मैंने जो लिया था ये कॉन्टेक्ट आप चाहे तो जेडीडी से ले देख लीजिएगा मैंने ये वहां से लिया था ये इसीलिए यूके यूके की जो बात हो रही है वो सब वहां की वजह से हो रही है ठीक है ऐसा कुछ है ठीक है डन आ गया समझ में तो इस तरीके से रहता है ना तो ये ये मेन मेन बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। ये वाला मैथड मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो सेकेंड मेथड मैंने एक्सपेंसिव मैथड है ये जिंक ऑक्साइड का रोस्टिंग कर लो लो टेम्परेचर कंडीशन पे जिंक ऑक्साइड बना लो इसको डिजोल्व करो एच फोर में जिंक सल्फेट का सोलूशन बन जाएगा उसकी करा करा लेना लेना और उसको कैथोड पे जिंक ठीक है इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा प्योर जिंक मिल जाएगा है ना तो कभी कभी जो है ना जिंक की मेटलर्जी इस तरीके से भी की जाती है चलो आगे, बढ़ हाँ, बोलो सर और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है बता रखा है मैंने आपको देखना था वीडियो है ना काफी डिस्कशन हुआ है प्रीवियस वीडियो देख लो ना वेबसाइट पे क्या दिक्कत है ना yes. ठीक है फर्स्ट वाली हाँ फर्स्ट सेकेंड में थर्ड में बताई थी ना अब हम बात करते हैं इसमें इसके प्यूरिफिकेशन की है ना प्यूरिफिकेशन जो है ना ये जो डायग्राम बना हुआ है ये डायग्राम किसका बना हुआ है ये पिक्सर से इधर पहुंच गई है तो जो डायग्राम बना हुआ है वो प्यूरिफिकेशन का बना हुआ है ये प्यूरिफिकेशन का डायग्राम बना हुआ है है ना तो हम लोग प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं तो प्यूरिफिकेशन में क्या होगा बेसिकली यहाँ पे जो इम्प्योटीज हैं वो बेसिकली जिंक की बात करें तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट लिखा है 908 डिग्री सेल्सियस कैडमियम का बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ए, 756 डिग्री सेल्सियस और आयरन और लेड का लिखा है 1500 सो से ऊपर है ना ठीक है तो इसमें जो है ना इनका स्टीम डिस्टिलेशन ही किया जाता है बेसिकली तो इनको आप क्या करो आठ डिग्री सेल्सियस तक आप हीट कर दो तो उससे क्या होगा कैडमियम अपना वेपर बना के बाहर निकल जाएगा अब तुम्हारे पास जो मिक्सचर बनेगा उसमें जिंक और लेड और एफी बचेंगे इसको 920 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से से क्या कर दो आ, करीब करीब क्या कर दो ये कर दो हीट कर दो तो क्या होगा जिंक बाहर निकल जाएगा तो स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू जो है ना इसको निकाला जाता है सिंपल मैथड है प्योरिफिकेशन का है ना स्टीम डिस्टिलेशन वगैरह से इसको निकाला जाता है तो ये प्योरिफिकेशन दूसरा तरीका प्योरिफिकेशन का जो है ना वो है इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग आप इलेक्ट्रोटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं एनोड पर आ, क्या कर सकते हैं इम्प्योर जिंक रख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है ना जिंक सल्फेट और एचोसोफोर का यूज कर सकते हैं और कैथोड जो होगा वो क्या होगा जो होगा वो यहाँ पर एल्युमिनियम मेटल आ, जो होगा नहीं कैथोड जो होगा वो प्योर मेटल का होगा यहाँ पे एक मिनट रुकना ये जो होगा वो प्योर मेटल का होगा यहाँ पे ना प्योर सॉरी प्योर जिंक मेटल का होगा प्योर जिंक का हो जाएगा ठीक है इस तरीके से कर सकते हो यहाँ पे तो ये ये जो मेटलर्जी है वो आप ऐसे परफॉर्म कर लीजिएगा तो ये तो कुछ और भी है जिंक जिंक एसो फोर जो है ना एसट्रोजोर करके क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा डिजोल्व होने के बाद आप उसे क्या कर सकते है? करा सकते हैं हैं इलेक्ट्रोलाइज करा जिंक जो होगा वो में क्या होगा डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होने के बाद इसमें क्या होगा ये डिपोर्ट होगा अच्छा ठीक है नहीं इसमें ये चेंज मत इसको चेंज कर लो सॉरी इसको यहाँ पे अलमिनियम ही रहेगा याद आ गया मुझे अल्मोनियम ही रहेगा यहाँ पे ना ध्यान रखना एल्युमिनियम 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 कंटेनर में ही में कराया जाएगा पे मतलब नहीं होता है लेकिन जिंक जो होगा वो, हो जाएगा. जो हो जाएगा, वो टू प्लस के में आ जाएगा फिर ये जाके क्या होगा ये कैथोड पे जो एल्युमिनियम है ठीक है कंटेनर है उसमें जाके डिपॉजिट हो जाएगा ये मैथडिशन ये का ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है ये हमारा किसका मेटलर्जी हो गया ये हमारा जिंक का मेटलर्जी हो गया तो जिंक के बेसिक बेसिक स्टेप के बारे में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या क्या होगा उसको जो है ना वो हमने समझा दिया आपको ना मेन बात जो है ना वो इस तरीके से कर समझा दिया है तो जिंक की मेटलर्जी क्या होती है जिंक की मेटलर्जी उसके उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है और हाई टेम्परे कंडीशन पर होती है और कार्बन की एक्सेस में होती है जिंक में जो सबसे ज्यादा इंप्योरिटी आती है वो कैडमियम की आती है जिसे आप स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं निगलेट कर सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है उसके बाद जो हमारी मेटोलॉजिकल कौन सी प्रोसेस है 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 वो ऑफ मैग्नीशियम ये ये भी भी आ, आ सकता ये भी, अब आजकल क्योंकि मोस्टली ज्यादातर कॉपर ऑपर के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं तो आजकल जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो इन्हीं सब पे बचे हुए हैं तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं एक्सट्रक्शन ऑफ मैग्नीशियम सो मैग्नीशियम का एक्सट्रक्शन कैसे होता है तो पहले तो हम लोग मैग्नीशियम के जो है ना उसकी बात करते हैं और की बात करते हैं तो कार्नेलाइट है, दैट सील, ना ये मैग्नीशियम का मेन मेन डोलेमाइट होता है एक और सी एस सी ओ थ्री और डॉट एम जी सीओ थ्री एक मैग्नेसाइट होता है जो कि एम जी सी ओ थ्री होता है ना ठीक है अब इसका जो पहला जो डिस्कशन है वो हमारा वो ये है कि एक्सट्रेक्शन ऑफ एक्सट्रक्शन uh, ऑफ uh, जो है ना मैग्नीशियम फ्रॉम द कार्नेलाइटोर तो कार्नेलाइटोर से जो है ना कैसे करते हैं एक्सट्रक्शन ऑफ कार्लाइटोर है ना इस तरीके से करते हैं स्टेप वन में क्या किया जाता है स्टेप वन में टू ऑपटेन एमजीसीएल टू डॉट सिक्स टू क्रिस्टल्स हमें इसके क्रिस्टल्स जो है ना वो जो है ना लेने होते हैं और कैसे बने सी वॉटर से बेसिकली मैग्नीशियम क्लोराइड जो मेन सोर्स है वो सी वाटर है सी वॉटर को लाकर जो है ना सेचुरेट किया जाता है और उससे जो निकाला जाता है, है ना

यस सर yes, तो क्या होता है उसमें सर ऊपर वो आ जाती है ऊपर क्या आ जाती है हाँ क्रीम आ जाती है मलाई आ जाती है ऊपर ना आ जाती है यस yes, सर वैसे ही कोई सिचुएशन तुमको यहाँ पर भी मिलेगा वैसा ही सिचुएशन तुमको यहाँ पर मिलेगा जब पानी मिला के इवोपरेट करोगे ना तो वाटर चला जाएगा वाटर काफी कुछ इवेपरेट होगा ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आईपी की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू के से बढ़ जाती है ज्यादा हो जाती है क्यों क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे पानी कम होगा ना वॉल्यूम कम होगा ना तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज कर जाता है तो उसकी आईपी की वैल्यू उसके के से ज्यादा होती है तो क्रिस्टलाइज होना चालू हो जाता है बनना चालू हो जाता है ठीक है और ऐसा के के लिए होता है पहले तो के का जो होता है आईपी वो पहले क्या होता है उसके अपने खुद के के से बड़ा होता है इसलिए के पहले अलग हो जाता है क्रिस्टल बनके जो है ना लेस सॉल्युबल होता है एक बन के पहले हम इसे सेपरेट कर लेते हैं तो के पहले अलग हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो एम मिलता है वो सोलेबल होता है पानी में है ना ठीक है क्यों सोलेबल है यहाँ पे मैंने लिखा भी है ड्यू टू हाई हाई हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी एनर्जी ऑफ या आयन प्लस आयन।, प्लस आयन की होती है इसलिए मैग्नीशियम क्लोराइड पानी में ज्यादा सोलेबल है और वो अभी उसका आईपी के एस पी से ज्यादा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो KCL पहले सेपरेट हो गया आप चाहते भी यही थे कि थोड़ा सा घोलो उसको घूलने के बाद फिर इवेपोरेट कर दो फिर से इवेपोरेट कर दोगे तो क्या होगा अब आप उसको फिर से दो पार्ट में देखोगे तो उसमें से कुछ पार्ट तो सेचुएट सोल्यूशन में आएगा कुछ पार्ट क्रिस्टल के फॉर्म में आएगा कुछ जो ऊपर ऊपर जो होगा वो कैसा होगा मतलब व्हाइट व्हाइट सा आ जाएगा ऊपर क्रिस्टलाइज होकर ऊपर आ जाएगा कुछ वो जो है ना नीचे सोल्यूशन के फॉर्म में रह जाएगा तो जो क्रिस्टल्स हैं वो आप क्या कर लो वो सेपरेट कर लो वो उठा लो है ना क्योंकि अल्टीमेटली इज अ सोलबल कंपाउंड लेकिन जब आप इवेपोरेट करके ठंडा करोगे तो वही क्या होगा यहाँ पे आईपी की वैल्यू के से क्या आ जाएगी बोलो ज्यादा आ जाएगी और ये क्या हो जाएगा ये सेपरेट हो जाएगा है ना और क्योंकि वाटर कम हो गया है तो तो होगा। भाई की जैसे लीटर पानी 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 में मान लो वो 50 ग्राम हो रहा था। अब तुमने करके कर 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 दिया कम पानी कर दिया आदा, आदा कर दिया कम आधा आधा बात है आधे को बाहर निकलना पड़ेगा तो आधे को जो बाहर निकलेगा वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकलेगा उसके लिए आईपी की एस Ksp से क्या रहेगी ज्यादा रहेगी ठीक है तो इसलिए ये सोल्यूशन हो जाएगा मैक्सिमम जितनी सोलेबल था सोलेबल तो है उसके बाद जो बचा हुआ है वो सब कहा हो जाएगा बचा हुआ सब क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ पे मैंने कुछ समझाया हुआ है कि NaCl MgCl2 CaCl2 ये मैं पे कुछ समझाता हूँ स्टूडेंट को कि जो प्योर NaCl होता है ना जो नमक जो होता है प्योर अगर प्योर अगर, अगर आपके पास NaCl हो कॉमन साल्ट हो तो ये कभी भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करेगा इस समय बारिश का मौसम है अगर आप नमक को थोड़ा सा भी अगर खुला छोड़ दो तो गीला हो जाएगा है ना तो वो गीला होने का रीजन है कि इसके अंदर जो इंप्योर है नमक के अंदर वो एम जी सी एल टू और सी एस एल टू की इम्प्योर और ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा हाइड्रेशन नदी रखते हैं इसीलिए वाटर पार्टिकल को एब्जॉर्व करते हैं ऐसे करके तो जो नमक जो पानी एब्जॉर्व करता है वो एमजीसीएल टू और सीए सीएल टू की इम्प्योर की वजह से एब्जॉर्व करता है नमक जो हाइग्रोस्कोपिक होता है नमक जो डेली होता है ये दो टर्म यूज किए जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक और ये दो शब्द यूज किए जाते हैं तो ये जो होता है वो इसी की वजह से होता है कि उसमें एम जी सी एल टू और सी एस सी एल टू की इम्प्योर पाई जाती हैं अगर आप प्योर एनए सी एल बनाओ ना प्योर एन एस एल केमिकली अगर आप प्योर एनए सी एल बनाओ और उसमें एमजीसीएल सी एस सी एल टू की इम्प्योर ना हो तो एन ए सी एल जो जो कंपाउंड है वो वाटर एब्जॉर्बर नहीं है एस ब्लॉक में भी मैं पढ़ाता हूँ ये चीज की एनए सी एल जो होता है एन ए सी एल डॉट सिक्स एच टू की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने से नहीं जोड़ता है जबकि मैग्नीशियम क्लोराइड और सी एस एल टू कैल्सियम क्लोराइड ये ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अपने से जोड़ते हैं। क्योंकि इनके ऊपर से है। से एक छोटा तो है, इनके पास दो प्लस चार्ज है है ना ऊपर से इनके पास दो प्लस चार्ज है ठीक है थीके? इस तरीके से है ना दो प्लस चार्ज है इसके पास ठीक है ना अब हम लोग क्या करते हैं यहां तक आते आते अपने को क्या मिल गया अपने को क्रिस्टल्स मिल गए किसके मिल गए क्रिस्टल्स एम जी सी एल टू डॉट एस टू के क्रिस्टल्स मिल गए ना अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप सेकंड में पहुंचेंगे क्या कहते हैं टू ऑप्टेन ड्राई एम जी सी एल टू तो ड्राई एम जी सी एल टू के लिए क्या किया जाता है जो एम जी सी एल टू के क्रिस्टल्स होते हैं समझे एम जी सी एल टू के जो क्रिस्टल्स होते हैं बड़े बड़े बकेट्स में होते हैं बड़े बड़े मतलब ठीक है बनाए जाते हैं उनके ऊपर क्या होता है उनके ऊपर जो है ना एस की वेपर पास की जाती है ड्राई एस की वेपर पास की जाती है ये क्या करती है मॉइस्चर एब्जॉर्व कर लेती है और हमें एनहाइड्रस सी टू मिल जाता है है ना एनहाइड्रस एमजीसीएल टू मिल जाता है समटाइम्स क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एम टू डॉट सिक्स एस टू का डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं किया जाता है ना एम जी टू सी डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं कर सकते है ना तो कभी मतलब आप क्या हो सकता है आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार को अगर डायरेक्टली हीट कर दिया जाए ये सब बड़े अच्छे क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान रखना हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते नहीं है बहुत ज्यादा इसलिए हम जब क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हैं या फिर प्रीवियस ईयर देखते हैं तो हम इन पे ध्यान देते नहीं है बट एक्चुअली ये दी, ये दी जा रही है क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं किसी किसी ना ऑप्शन में प्रेजेंट होंगे कहीं लॉजिक में प्रेजेंट होंगे कहीं ना कहीं होते हैं तो इस तरीके से जो जो हो होगा अब इसको जो है ना हम लोग क्या करेंगे मतलब इसको अगर हमने डायरेक्ट हीट कर दिया है ना तो डायरेक्ट अगर हीट किया तो क्या होगा डायरेक्ट हीट करने पर आपको ऐसा लगता है कि छह वाटर पार्टिकल हटा के अलग हो जाएगा ये नहीं होता है। ये नहीं, हो है ये नहीं हो पाता है ये नहीं हो पाता है ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है कि जो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है है ना ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कौन सा सॉरी ये जो है ना मैग्नीशियम वाला जो है ना बाई डायरेक्ट हीटिंग इन इन इट इज जिनके वैल्यू ज्यादा होते हैं ध्यान देना जिनके एस आर पी वैल्यू मोर नेगेटिव होते हैं जो कि ज्यादा इलेक्ट्रो और ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं जिनके एस आर पी वैल्यू कैसे होते हैं बोलो नेगेटिव होते हैं ना ठीक है वो उनमें हार्डलिस करने की टेंडेंसी क्या होती है ज्यादा होती है और वो वाटर के साथ क्या करते हैं कंबाइन कर जाते हैं तो इसमें क्या होता है में ये पहले बनाता है प्लस और ये हर्डलाइज कर जाता है वाटर से रिएक्ट कर जाता है इनकी वाटर से रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है और ये क्या बना लेगा ये अपना ऑक्साइड और एस सी एल बना लेता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम पे पहुंचना बहुत मुश्किल काम है समझ में आया क्योंकि ये बहुत स्टेबल ऑक्साइड होगा आपको लग रहा होगा समझ में आ रहा होगा अगर मैंने आपको याद होगा मैंने आपसे एक क्वेश्चन Ag2O और ओ वगैरह में सबसे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड पूछा था तो मैंने कहा था कि उनके ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं क्या किनके जिनकी SRP वैल्यू कैसी होती है निगेटिव होते हैं और उनके ऑक्साइड लेस स्टेबल होते हैं जिनकी एस आर पी वैल्यू कैसी होती है पॉजिटिव होती है तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर रखा हुआ है निगेटिव एस आर पी वैल्यू रखता है तो ऐसे एलिमेंट जिनकी निगेटिव एस आर पी वैल्यू होती है ठीक है ना वो क्या करते हैं वो वाटर से रिएक्ट कर वो हर्डिलाइज कर जाते हैं आसानी से और आसानी से हर्डिलाइज करने के बाद क्या करेंगे वो क्या करेंगे वो ऑक्सीजन वगैरह जो है ना वो क्या कर लेते हैं गेन कर लेते हैं और गेन करके ऑक्साइड बना लेते हैं ऐसा समझ लो है ना या फिर अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम के फंडे से समझना है तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम के फंडे से भी समझ सकते हो कि अगर देखा जाए तो आयनिक इक्विलिब्रियम में बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है ना और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैल्सियम हाइड्रोक्साइड स्टोनसियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐसे जब जाते हो तो क्या होता है ऐसे जाने पर बेसिक करेक्टर बढ़ता है नीचे जाने पे बेसिक करेक्टर इंक्रीज होता है ठीक है इंक्रीज होता है तो यहाँ पे मेनली जो स्ट्रॉनसियम है ये जो है ये सब जो है ना ठीक है ना इनको क्या माना जाता है बोलो इनको आ, इनको जो है ना इनको ये माना जाता है इनको लगभग स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है समझे इनको जो है ना स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है हम्म तो स्ट्रोंग बेस के जो कटाइन होते हैं वो एनायन जो होते हैं वो हाइडलाइज नहीं करते हैं है ना ये ये क्या है ये वीक बेस माने जाते हैं ये वीक बेस होते हैं तो वीक बेस के कटैन का हार्डलिस होगी है तो वीक बेस के कटायन के हो ना तो इसलिए एम जी किसमें कन्वर्ट होगा बोलो एम जी कन्वर्ट होगा किसमें इसमें एम इस जी और एस सी एल में कन्वर्ट होगा सिमिलरली एक कंपाउंड और भी है हमारा जेड सी एल टू डॉट सिक्स एच टू अगर आप इसे हीट करोगे ना तो आपको डायरेक्ट जेड एन नहीं मिलने वाला ये नहीं मिलेगा है ना बल्कि क्या मिलेगा बोलो समझ सकते हो ना क्या मिलने वाला ये भी क्योंकि जिंक का आपको पता है ना एस वैल्यू नेगेटिव होता है तो जिनके SRP नेगेटिव होते हैं वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं तो ये भी किस में जाएगा जिंक ऑक्साइड में जाएगा फाइव एच टू में जाएगा ठीक है और ट्वाइस एस में जाएगा ये भी इसी तरीके से रिएक्शन देगा तो जिनके इस तरीके से कुछ सिचुएशन रहती है तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है आप एनसी देखना आप जाके एस ब्लॉक का एनसीआर टी देखना जाके एस ब्लॉक का एनसीआर टी देखना उसमें लिखा हुआ है ये एम टू की हीटिंग से ये बनेगा एस आर सी एल टू की हीटिंग में क्या होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस के ये हार्डिलाइज नहीं करते डायरेक्ट पानी छोड़ देते हैं ये भी डायरेक्ट पानी छोड़ देता है मैग्नीशियम तक जो है ना वो जो है ना वो रहेगा इस तरीके से रहता है क्लियर हो रहा है तो ये रहता है यहाँ पे लिखा गया है क्या लिखा गया है ड्राई एस सी एल गैस पास इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्ट हीटिंग टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ एम जी ओ विच बिकम वेरी डिफिकल्टियम फ्रॉम एम जीओ बाई इलेक्ट्रोल करते हो पर कौन सी क्या पास करते हो ड्राई एस सी एल पास करते हो ड्राई एस सी एल के व्यापार पास की जाती है ताकि वो हार्डलाइज ना करे केवल केवल क्या उठा ले पानी उठा ले बस हीट मत करना हीटिंग से क्या हो जाता है हार्डलिस हो जाती है और से क्या हो जाता है वो अपने में कन्वर्ट हो जाता है। अब पार्ट है आपका और वो पार्ट कौन सा है क्या पा लिया अभी तक आते आते यहाँ तक आते आते आपको एनहाइड्रस एमजीसीएल मिल चुका है पानी से फ्री हो चुका है ठीक है पानी नहीं है, है ना और उसके बाद आप क्या करोगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करोगे आपको याद होगा जो ये मेटल होते हैं मैग्नीशियम है सोडियम है एल्यूमिनियम है ये बहुत ही हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं इनके एस आर पी वैल्यूज एस आर पी जो होते हैं वो काफी ज्यादा निगेटिव होते हैं जब हम इनकी इलेक्ट्रोसिस कराते हैं और वो भी किसकी प्रेजेंस में वाटर की प्रेजेंस में तो ये रिड्यूस होते ही नहीं है है ना ये रिड्यूस नहीं होते इनकी जगह पानी कैथोड पे जाके रिड्यूस हो जाता है ये बात को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पानी कैथोड पे जाके ना जाए

पॉजिटिव एलिमेंट है और वो किसी भी मेथड से रिड्यूस नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट रिडक्शन से तो एम जी सी एल टू हैं उसमें क्या होगा उसमें रिडक्शन में काम करते हैं कि एम जी सी एल टू तो फोर पार्ट लिया जाता है एनए सीएल का वन पार्ट लिया जाता है एनए सी एल जो एक्ट करता है जैसे आपने ए एल टू ओ थ्री में क्रायोलाइट लिया था याद है आप लोगों को क्रायोलाइट है ना न्यूट्रल फ्लक्स की तरह जो काम करेगा ये क्या करेगा ये मेल्टिंग पॉइंट कम करेगा और साथ में क्या करेगा कंडक्टिविटी बढ़ाएगा हियर एन वर्क एज ए न्यूट्रल फ्लक्स डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज द कंडक्टेंस दोनों काम करेगा है ना इस तरीके से फिर वही आप इसकी इलेक्ट्रोसिस करा लो और आपको क्या मिल जाएगा इससे कैथोड पे मैग्नीशियम मिल जाएगा और एनोड पे सी टू गैस मिल जाएगी है ना कैथोड पे मैग्नीशियम मिल जाएगा है ना कहा पे मिलेगा एम टू का जो कैथोड होगा तो कैथोड पे तो आपको क्या मिलेगा मैग्नीशियम मिल जाएगा और एनोड पे क्या मिल जाएगा बोलो एनोड पे मिल जाएगा Cl गैस टू गैस मिल जाएगी ये मेटलर्जी हो जाती है इसकी मेन मेन ये है एक तरीका और भी है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ बी पार्ट पढ़ लीजिए कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन सॉरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मैगनीसाइट ओर MgCl ना MgCO3 से कैसे कर सकते हैं तो MgCO3 का द तो आसान है कर सकते हैं MgO और CO2 में चला जाएगा अब MGO बनाकर तो तुम काम नहीं कर सकते तुम्हें पता है यार बहुत स्टेबल है इससे तो काम नहीं चलेगा तो इसका एक मेथड निकाला गया कि इसको कोक और क्लोरीन गैस के साथ क्या किया गया हीट किया जाता है काफी ज्यादा हीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एम जी सी एल टू में हेलो अबाइस देखो आ रही है हेलो सर सर आ, आ रही ना यस ठीक है तो मेटलर्जी में बेसिकली आ, मेटलर्जी में आ, जो एक्सट्रक्शन ऑफ हम लोग बात कर रहे थे शायद चली गई मैगनेसाइड एमजी सीओ थ्री का देखते हैं उससे मैग्नीशियम निकालते हैं है ना तो इन्होंने एक मेथड निकाला की एमजी सी ओ थ्री को डिकम्पोज करना तो काफी आसान है तो भाई डिकम्पोज कर लो जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट होते हैं ना उनमें से केवल लिथियम वाला होता है वो डिकम्पोज करता है बाकी डिकम्पोज नहीं करते हैं पता होगा आप लोगों को लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले हैं चाहे वो बेरिलियम हो चाहे वो मैग्नीशियम कैल्शियम कोई भी हो वो सब क्या करते हैं वो कर जाते हैं तो ये करा के आप सीओ टू बना लो हम्म अब एमजीओ और uh, का रिएक्शन क्या करते हैं कार्बन और सीएल से कराते हैं क्योंकि एमजीओ से तो आप नहीं निकाल पाओगे आपको पता है बहुत ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड है ना कार्बन का काम क्या होता है मेटलर्जी में रिडक्शन ना मैंने जो बताया था मैंने क्या बताया था लेना, लेना हाँ मैंने बताया ना कार्बन मेटलर्जी में सांस लेता है है ना इनहेल करता है ऑक्सीजन तो एमजीओ से क्या उठा लेगा वो ऑक्सीजन Oxygen. एटम उठा लेगा और उसमें क्या जोड़ने देगा सीएल टू जोड़ने देगा नहीं? इस इस तरीके से तुमको क्या मिलेगा आपको एम जी सीएल टू मल्टी स्टेट में मिल सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी गैसे फॉर्म के बाहर निकल जाएगी कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें तो कोई अरेंजमेंट ही नहीं करना कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए फिर क्या करना जो एमजीसीएल टू तुमको मोल्टिन मिल जाए उसको इलेक्ट्रोलाइज करा के क्या थोड़ पे क्या मिल जाएगा मैग्नीशियम मिल जाएगा सुनो yes. ठीक है और एक मेथड और भी है कि कुछ इस तरीके से भी करते हैं एक ये भी है कहीं पे मेथड यूज किया जाता है रिएक्शन विद हैल्शियम हाइड्रोक्साइड से भी कराते हैं कि रिएक्शन कैल्सियम हाइड्रोक्साइड कराकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं

सॉरी मैग्नीशियम मैग जो ये तरीका है एम से जो है ना वो एम से मैग्नीशियम निकालने का तरीका जो है ना वो है और एम जी सी एल टू वाले हाँ एम जी सी एल टू जो कार्नेलाइट और वाला जो है ना वो पूरा तरीका थोड़ा ज्यादा बड़ा है पूरा मैंने समझाया कि करके पूरा मैग्नीशियम कैसे कार्नेलाइट ओर से कैसे निकालते हैं अलग है डोलोमाइट से कैसे निकालते हैं है ना उस तरीके से वो सारा कुछ बता दिया मैंने आपको और मैग्नेसाइड से कैसे निकालते हैं वो दोनों चीजें आपको बताई है ना ठीक है तो इसी से मतलब काम काम की चीजें तो आपने समझ ली होंगी इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना लेकिन जो कंसेप्चुअल वाला बात था जैसे जो थोड़ा सा एस ब्लॉक का पार्ट आ गया थोड़ा सा आई के एस पी का बात आ गया थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिस की बात आ गई तो ये सब छोटे मोटे प्रिंसिपल्स हैं अगर आप स्टूडेंट को पता है आ, ये सब चीज़ें मालूम है तो उसके लिए मेटलर्जी आसान हो जाती है थोड़ा सोचना उसके लिए आसान हो जाता है और वो सोचे कि मैं केवल याद करके जाऊंगा तो याद करने से ये सब नहीं चलेगा याद करने से नहीं चलता मेटलरजी मेटलर्जी में समझ जो है ना वो आपकी ज्यादा जरूरी है और उसी समझ पे जो है ना क्वेश्चन जो है ना बनाए जाते हैं अब हमारा बच्चा है कौन सा आयरन का मेटलर्जी बचा हुआ है आयरन का मेटलर्जी बचा है और किसका बचा हुआ है यस इट इज ओनली फॉर आयरन है ना आयरन का ही बचा हुआ है ठीक है बस उसके बाद प्यूरिफिकेशन है चलो सो so, मेरे ख्याल से हम लोग कल खत्म कर रहे हैं ना मेटलर्जी है ना टुमारो इन द क्लास विल फिनिश द मेटलर्जी है ना नेक्स्ट क्लास में मेटोलॉजी का टॉपिक खत्म हो जाएगा अच्छे से ठीक है यहाँ पर हो गया फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेशन चलता रहेगा मेटोलॉजी का है ना जो है ना जो भी हमारी सीट्स हैं मतलब मेरे ख्याल से ये क्या नाम है रुद्र है क्या अभी क्लास में हेलो यस सर एलन की है क्या सीट अपने पास पी डी एफ नहीं सर वो नहीं आई एलन में किसी को नहीं पढ़ाया अभी मेटोलॉजी अभी नहीं आया अच्छा, अभी नहीं आया, ओके, okay. नीट वाला भेजेंगे आ? नीट नीट वाला वाला से होगा, नीट वाला दे दे ठीक है वो तो है मेरे पास, तो वो तो मैं करा ही दूंगा, और कुछ मेरे पास डीपी पीस है आ, उसके दूसरे मतलब डीपी पीज है मेरे पास, तो मैं वो कुछ करा देता हूँ तो मेरे पास हार्ड प्रिंट पे सॉफ्ट नहीं है मेरे पास कौन सा हार्ड पे सॉफ्ट पे नहीं है मेरे पास कि मेरे पास अभी आज आया है मेरे पास अच्छा तो चाहिए